अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? ये आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ शगुफ्ता अली, वो गेस्ट अलविंग सदर में आपको वेलकम करते हैं। सो गाइस, आज हम 6 ऐसी ऑसम वेबसाइट्स और जनरेटर क्रिएट करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल होंगे आप लोगों के लिए। दे आर दी वेरी बेनिफिशियल इफ़ यू आर वर्किंग एज अ वेब डेवलपर और द वेबसाइट डिज़ाइनर। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना, शेयर करना, गुड कमेंट पास करना मत भूलिएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली वेबसाइट जो हम गो थ्रू कर रहे हैं इज़ अ स्मूथ शेडो, और इस वेबसाइट के अंदर गाइस आप बहुत आसानी से जो है वो शेडोज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप इस पैलेट पर देखें तो लेयर ऑफ शेडोज़ जितनी आपको चाहिए आप उतनी कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये पिक्चर में ये प्रीव्यू हो रहा है आपको, CSS कोड भी आपके सामने बन बन कर आ रहा है, ये देखें। इसी के साथ साथ यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, इफ़ यू इंक्रीज एंड इफ़ यू वांट टू डिक्रीज ऑटोमेटिकली यहाँ पर नंबर्स भी एडेड हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपके पास क्राइटेरिया भी है, आप इसको रोटेट करना चाहें तो आसानी से रोटेट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, तो दे आर दी वेरी ईजीएस्ट मैथड। और इसी के साथ साथ आपको ब्लर स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, और सबसे अच्छी बात गाइस कोड आपको मिल रहा है और कोड अपने हिसाब से जनरेट हो रहा है। जस्ट आप इस कोड को यहाँ से कॉपी करें और जहाँ पर भी वेब डेवलपमेंट में आपने किसी भी बॉक्स के या किसी भी शैडो को प्रोवाइड करना है, आसानी से वहाँ ले जाके इस बने बनाए शैडो को आप वहाँ पर पेस्ट कर देंगे और बहुत ईजी मेथड में जो भी व्यू आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो व्यू वहाँ पर एडिट हो जाता है। सो इट्स अ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग मैथड इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोवाइड, ये देखें अल्फ़ा को आप रिवर्स भी कर सकते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू प्रोवाइड द बॉक्स शैडो ऑफ एनी पिक्चर और इसी के साथ साथ एनी शेप इफ इज़ डिपेंड ऑन यू। सो मूव ऑन द नेक्स्ट वेबसाइट जो कि बहुत ही यूजफुल है अकॉर्डिंग टू योर CSS इज़ अ कॉलर, और मैं यहाँ पर कुकीज़ को मैनेज एक्सेप्ट कर दूँ। यहाँ पर गाइज अगर आपको कोई भी कलर कोड जनरेट करना है तो colors.co इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वेबसाइट, और इस वेबसाइट पर आकर गाइज आप बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग हाई क्वालिटी की कलर पैलेट जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी इंस्पायरेशन है, सलेक्शन है, कलर्स हैं, यू कैन ईजीली सेलेक्ट। नाउ यू कैन सी हियर इज़ द बंडल ऑफ कलर्स, और जो भी कलर्स चाहिए वो यहाँ से आप रैंडमाइज कर सकते हैं, विजुअल कलर्स को गो थ्रू करना है, कलर पैलेट्स देख सकते हैं। सो गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है। इसी के साथ साथ इफ़ यू ऐड मोर कलर्स तो यहाँ से आप कलर्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट रैंडमाइज। सो यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, किस कलर का नाम क्या है वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सो इसी के साथ साथ अगर आप जनरेट मैथड पर आते हैं तो यहाँ से आप कोई भी मैथड जनरेट करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें प्रीमियम में हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको फ्री में मिल जाएंगी। सो ऑटो पर आते हैं, कलर कोड यहाँ पर इफ़ यू वांट टू चेंज एनी कलर तो सिंपल क्लिक के ऊपर आप यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से एक नया सोर्स कोड क्रिएट कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फॉर अ CSS पैलेट जनरेटर। सो मूव ऑन द नेक्स्ट वेबसाइट गाइज इस कॉल अ वेरी इंटरेस्टिंग, इस नेम इज़ ग्रिड जनरेटर, और यहाँ पर आप CSS ग्रिड जनरेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह कि बोर्डर स्ट्रैप और फ्लैक्स बॉक्स की तरह या फ्लैक्स बॉक्स फ्रॉगी की तरह जिस तरह से एक गेम प्ले होता है, यहाँ पर भी आप जो है वो रोज एंड कॉलम में अगर कॉम्प्लेक्स फील करते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैथड है। आपको यहाँ पर क्राइटेरिया बता दिया जाता है, कोड यहाँ पर बनकर आ जाता है, और सबसे अच्छी बात यह कि आप यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया राइट डाउन करते हैं वो ऑटोमेटिकली आपका एडिट होना शुरू हो जाता है जिस भी हिसाब से। नाउ यू कैन सी जैसे मैंने 5 लिखा इसका डिव, 6 लिखा है यहाँ पर डिव इसका बनना शुरू हो गया। कितने कॉलम रिक्वायर्ड हैं ये देखें, कॉलम एंड रोज अपने हिसाब से आप इंक्रीज कर रहे हैं, रीसेट करना है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट आप क्या क्या सिचुएशन रख सकते हैं और किस तरीके से आप डिव्स को क्रिएट कर सकते हैं। ये डिव 3 है, ये 4 है, ये 5 है। सो बहुत ही ईजी मैथड से ये देखें आपको इंडिकेशन मिल जाती है गाइज, और बहुत आसानी से आप इसको रीसेट करना चाहते हो रीसेट करके एक नई ग्रेड बना सकते हैं। तो जो भी लोग न्यू कमर्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है रोज़ एंड कॉलम जनरेट करने में, तो इट्स अ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टूल अकॉर्डिंग टू योर CSS ग्रेड जनरेटर।
So move on the next and also another amazing website is Animista. और इस वेबसाइट के अंदर गाइज ये एक एनिमेशन CSS लाइब्रेरी है जो कि बहुत ही अमेजिंग है. फॉर एग्जांपल अगर ये बॉक्स आपके सामने यहाँ बना हुआ है और जो भी रोटेशन आपको प्रोवाइड करनी होती है आप बहुत आसानी से रोटेशंस को प्रोवाइड कर लेते हैं. यहाँ पर इसके एनिमेशंस की लिस्ट है, ये देखें जो भी आपने लिस्ट प्रोवाइड करनी है. यहाँ पर डिले है, टाइम है, ड्यूरेशन, ईच एंड एवरी थिंग है. और इसी के साथ साथ अगर आप टॉप पर आते हैं गाइस तो यहाँ पर अप स्केलिंग है. ये देखें एनिमेशन, मैं इसको हटा देती हूँ इस बार को, थोड़ा सा मैं इसका साइज़ छोटा कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे. ओके नाउ यू कैन सी ये सारे इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग इफ़ेक्ट आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं. स्विंग है, फ्लिप स्केलिंग है, इसी के साथ साथ इसकी एनिमेशंस भी है, बॉटम से है, लेफ्ट राइट है. तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका कोड जनरेट हो जाता है और बहुत आसानी से गाइस CSS के लिए आप इसकी क्लास कॉपी कर लेते हैं और वहाँ ले जाकर आप इसको पेस्ट कर देते हैं. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वेबसाइट. और एनिमेशन के हवाले से आप किसी भी बॉक्स पे, ये बेसिक है, इसी के पास एंट्रेंस पर आ जाता है, ये एंट्रेंस है, ये एग्जिट है, ये टैग्स है, ये टैग्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है, ब्लर है, ये देखें फ्लिकर इफेक्ट है, शैडो ड्रॉप है. तो इट्स अ वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग वेबसाइट. और अगर आप जो है वो डिज़ाइनर हैं और एनिमेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो गाइज इस वेरी अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग. इसी के साथ साथ कलर चेंजिंग है देखें. सो कोड की परेशानी नहीं है, जस्ट क्लिक करें, कोड बना बनाया है, कोड को यहाँ से कॉपी करें और अपने CSS में ले जाके उसको पेस्ट कर दें. सो जो एनिमेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं वही एनिमेशन आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है. कलर चेंज 3x तेज़ी के साथ, 4x एंड 5x, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर. इसी के साथ एनिमेशंस अनदर वे के अंदर, ये भी एनिमेशन आपने अक्सर देखी होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर एनिमेशंस होती हैं. बीजी बैन है, सो लेफ्ट राइट टॉप. सो गाइज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग अकॉर्डिंग टू योर CSS जनरेटर. और कोई भी एफर्ट आपको इसमें देना नहीं पड़ेगा, एफर्टलेसली वेबसाइट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइब्रेरी है. सो इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू. नेक्स्ट वेबसाइट जो हम गो थ्रू करने जा रहे हैं सब कोड मैजिक. और इस वेबसाइट में गाइज आप टैक्स जनरेट कर सकते हैं, इसी के साथ साथ ग्रेडियंट एनिमेशन बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं. अगर हम आते हैं ग्रेडियंट जनरेटर पे तो यहाँ पर टैक्स पर ग्रेडियंट जनरेट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सारा हेयर, मैंने जस्ट नेम लिख दिया, कलर पिक करना है, मैं कलर पिक कर लेती हूँ. ग्रेडियंट है, इसे दो कलर पिक करने पड़ेंगे. नाउ यू कैन सी डिग्री अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं एंड नाउ यू कैन गेट रिजल्ट. ये देखें सही है जी, ये बन गया. अब सबसे अच्छी बात जो है ना गाइज वो ये कि यहाँ पर इसका सोर्स कोड CSS का कोड आ गया और कोड कॉपी हो गया और जहाँ लेके जाना है वहाँ ले जाके उसको पेस्ट कर सकते हैं. सो इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल वेबसाइट है. अब हम आते हैं शेडो जनरेटर पर. सो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर है बॉक्स शेडो. अगर आपने कोई भी कलर पिक करना है, बॉक्स का कलर पिक कर लें शेडो का, और ऊपर डिस्प्ले देखें हो रहा है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ब्लर इफेक्ट बढ़ाना है, स्प्रेड करना है, नाउ यू कैन सी. इसी के साथ साथ गेट रिजल्ट पे क्लिक करते हैं, ये रिजल्ट आ चुका है. कॉपी कोड पे लिखेंगे और CSS अगर टैलवेंट पे करें तो टैलवेंट पे, नहीं तो CSS का कोड भी आप कॉपी कर सकते हो. इसी के साथ गए एनिमेशन पर आ जाते हैं. तो यहाँ पर एनिमेशन है, फैड है, फ्लिप है, रोटेट है. इफ़ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द ड्यूरेशन यू कैन राइट इट हेयर. अगर मैं यहाँ 7 कर देती हूँ, डिग्री बढ़ानी है, डिग्री बढ़ा देती हूँ. नाउ गेट द रिजल्ट, ये देखें सिर्फ मैं क्लिक किया एंड देन वही सेम मैथड. सो बॉर्डर जनरेटर है यहाँ पर अनदर. और अगर आप बॉर्डर जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बॉर्डर जनरेट कर सकते हैं, रेडियस राउंडेड करना चाहते हैं. सो गाइस इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. ये देखें नाउ यू कैन सी द गेट रिजल्ट इज लुक लाइक दैट. इसी के साथ साथ ग्रेडियंट बॉर्डर देने हैं तो यू कैन प्रोवाइड इट हेयर द टू कलर्स. और इसी के साथ साथ आप ग्रेडियंट कलर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये बहुत ही मार्वलस वेबसाइट है और बहुत ही यूजफुल है डेवलपर्स के लिए. तो गाइस हम इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ इसलिए बनाते हैं
ताकि आपके काम को हम बहुत ही इजीएस्ट मेथड में प्रेजेंट करवा सकें। सो मूव ऑन दी नेक्स्ट, ये है इनपुट जनरेटर। तो यहाँ पर बहुत सारे इनपुट आ जाएंगे और जो भी आपको इनपुट क्रिएट करना है, प्रीव्यू करना है, कलर ट्रैकिंग करनी है, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैथड। तो अपने हिसाब से गाइज, यू कैन यूज़ ऑल दिस स्ट्रेटजीज और यू कैन यूज़ दिस मैथड। नाउ यू कैन ना कॉपी, सो इट्स ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग रैंडम जनरेटर है, पिक टैग्स है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, इसका नेम है कोड मैजिक, डोंट फॉरगेट दिस। सो मूव ऑन दी लास्ट, ऑन दी लीस्ट वेबसाइट जो कि वन ऑफ माई फेवरेट है, इट्स अ गेट वेव्स डॉट आई ओ। अक्सर ऐसा होता है गाइज, हम वेव्स बनाते हैं और इस तरीके की वेबसाइट में आपने बहुत सारी वेव्स देखी होंगी और एक इस तरीके से बनाते हैं। इस वेरी इजीएस्ट मेथड, आप सिंपल जो है उस वेबसाइट को सर्च कर लीजिएगा गेट वेब डॉट आई, और मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। ये देखें, स्मूथ अन स्मूथ चाहिए, यहाँ पर फॉरवर्ड बैकवर्ड है, यू वॉन्ट टू चेंज द कलर्स आप कलर चेंज कर सकते हैं, स्मूथनेस चाहिए स्मूथनेस ले सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज करनी है वेव, डिक्रीज करनी है, ये देखें। इसी के साथ साथ रैंडमाइज चाहिए तो रैंडमाइज बना सकते हैं, और सिंगल क्लिक के ऊपर यू कैन इजीली गेट दी कोड। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है गाइस, इस तरीके से आप अपने वर्क के अंदर जो है वो बहुत आसानी से अपनी वेबसाइट्स में, अपनी एप्लीकेशन के अंदर वेव्स ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट CSS जनरेटर वेबसाइट्स गो थ्रू करी जो कि बहुत ही यूज़फुल रही होंगी। सो इसी तरीके से गाइज, हम लेक्चर्स क्रिएट करते रहेंगे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखने का थैंक्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, गुड कमेंट पास करते रहें, वी नीड ऑल योर सपोर्ट एंड लव। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।